आयरन कोल का स्टार्टिंग पॉइंट, ये सब जितना भी दिख रहा लाइन में लगा हुआ है सब स्लेविंग मिल से आयरन कोयल बन के आया हुआ। अब स्टील है नहीं, स्टील बनेगा, अभी स्टील प्लेट होगा, ये लोग जितना भी है कोयल सब स्टील हो जाएगा। इसका आगे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस दिखाई दे रहा है ये कोयल जो है लगा हुआ। देखो एक ड्राम जो घूम रहा, इसी ड्राम में कोयल को ट्रांसफ़र किया जाता है, वो ड्राम घूमता है और प्लेट उसके थ्रू ही बेलन के थ्रू ड्रम के थ्रू आगे बढ़ता है। देखिए ना, हमको नहीं मालूम था कि ये बहुत, हम सोचे थे कि बहुत लंबा कोयल है, बहुत लंबा रहता है ऐसा सोचे थे, पर नहीं, यहाँ ज्वाइंट किया जाता है इसको। पहला पार्ट वीडियो में आधा तक ही देखे थे, पर सोचे कि देखते हैं शुरुआत से कि क्या है इसका प्रोसेस, कहाँ से इतना लंबा प्लेट आखिर आता है, तो देखे बाद में कि यहाँ वेल्डिंग होता है। और ये देख रहे हैं प्लेट जो है चल रहा पानी में दबा के, ये अगर गर्म है तो उसके लिए पानी नीचे में है और ठंडा हो कहीं जाएगा, और आगे में बहुत सारा तेल निकलता है, उसमें से तेल तेल के थ्रू भी गुजरता है। देख रहे ना, ऑलरेडी प्लेट जमा है यहाँ बहुत सारा, क्योंकि यहाँ पे अभी इस इधर प्लेट वाला को रोक दिया गया, जितना है प्लेट वो अपना चला जाएगा, और ये वाला जब तक यहाँ वेल्डिंग नहीं होगा तब तक ये प्लेट को चालू नहीं किया जाएगा, उसका मोटर को, मोटर चालू होगा बेलन द्वारा ड्रम द्वारा ये आगे बढ़ेगा। देख रहे हैं आगे जा रहा, ये देखिए चालू कर दिया है, देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। हेवी हेवी मोटर लगा हुआ है, बड़ा बड़ा ड्रम लगा हुआ है, फिर लोहा का बेलन लगा हुआ है, और इसमें सेंसर भी लगा हुआ है, साइड साइड सेंसर है, ताकि प्लेट एक ही, मतलब कि एक सतह पे नहीं चले। फिर ड्रम जो देख रहे हैं चमक रहा, सब ड्रम है। और यहाँ का देखिए, यहाँ का नीचे नज़ारा, यहाँ का देखिए नीचे से, ये देखिए नीचे कहाँ गया, वो देखिए वहाँ तक, ये दिखाते हैं आपको अच्छा से पूरी तरह। देखिए ड्रम जो बड़ा बड़ा लगा हुआ है ना, ये नीचे से अंदर जाता है, अंदर फिर ड्रम भी लगा हुआ बड़ा बड़ा ड्रम, उसके थ्रू फिर ऊपर जाता है। और यही वाला ऊपर जो दिख रहा है आपको, देखिए नीचे का जूम करके दिखा रहे हैं, इससे जा रहा ड्रम के थ्रू ऊपर जाएगा। आधा वीडियो आप लोगों को दिखाया था ना एंड वाला, ये स्टार्टिंग वीडियो है। देखिए पीछे का